Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Methi. इस वीडियो में हम हुनर हाट की बात करेंगे. हुनर हाट ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एग्जीबिशन लगाई जाती है फॉर शोकेसिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स और माइनॉरिटी प्रोडक्ट्स, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो हुनर हाट, हाट मतलब आप सबको पता होगा, जो मेला वगैरह लगता होगा तो कभी आपने सुना होगा हाट लग रहा है, सेल में सेल हो रही है वहाँ पे. तो हुनर हाट, हुनर मतलब होता है टैलेंट. तो हुनर हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से माइनॉरिटी की जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है. इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि अब करीब 7 महीने बाद ये वापस ऑर्गेनाइज हो रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी. ठीक, अभी ये जो हुनर हाट है ये कहाँ लग रहा है? ये दिल्ली हाट पीतमपुरा में लग रहा है. खैर ये लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखेगा. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से. ये देखिए, आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं और हमें भी देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, कैसे एग्जीबिशन होती है. ये इस तरीके से हुनर हाट में उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है. हुनर हाट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ बिकमिंग एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन आवर कैंपेन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल. क्योंकि हम इसमें इंकरेज कर रहे हैं हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो हमारे आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन बहुत ही मेहनत से और क्रिएटिविटी के साथ बनाते हैं. और लाखों जो आर्टिशंस है, क्राफ्ट्समैन हैं, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस होते हैं तो उनकी इनकम भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे जो शोकेस होते हैं दे आर मेड फ्रॉम माटी. माटी जो क्ले होती है, माटी हिंदी का शब्द है, मेटल, मचिया, दीज आर हिंदी वर्ड्स. तो इन से इंडिजिनस यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाते हैं क्राफ्ट्समैन वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं. और बेम्बू पॉटरी ये सब भी यहाँ पे दिखाई जाती है. बेम्बू पॉटरी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें हमारा स्वदेशी कैंपेन प्रमोट होता है, लोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल होता है, इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रमोट होती है, इनकम बढ़ती है, स्वदेशी प्रोडक्ट को जो है प्रमोशन मिलता है. और ट्रेडिशनल जो हमारा रहा है, एक लीगेसी जो रही है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की, वो भी दुनिया के दूर दराज कोनों से आके यहाँ पे शोकेस होती है. तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए और मेंस के लिए भी आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए. ये इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वुड, ब्रास, बेम्बू, ग्लास, क्लोथ, पेपर, क्ले, इन सब से बनाए जाते हैं और डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है. अब हम हेल्प कैसे करेंगे? केवल हम उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. गवर्नमेंट विल हेल्प देम विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. ऑल्सो दे विल हेल्प देम, इट गवर्नमेंट विल हेल्प देम टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को क्यों हम मैच करना चाहते हैं? सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स टू द कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे हम दूर की सोच के चल रहे हैं. ऐसे देखिए एग्जीबिशन यहाँ पे होती है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे. ग्राउंड लेवल की बात करें तो इट हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर देन 5 लाख इंडियन आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, कुलिनरी एक्सपर्ट्स एंड अदर पीपल एसोसिएटेड विद देम इन लास्ट 5 ईयर्स. और जब भी नौकरियां मिल रही हैं इन लोगों को, जो रोजगार मिल रहा है, इट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स. मल्टीप्लायर इफेक्ट माने इससे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, इनसे उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी. तो और साथ ही साथ जब एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो फिर पूरे देश को फायदा होगा इससे. दूर दराज रिमोट एरियाज से यहाँ पे आर्टिशंस क्राफ्ट्समैन आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और हम ब्रांड बनाने जा रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को. ठीक है, अब धीरे धीरे मिनिस्टर ने कहा कि हम इस हुनर हाट को अभी तो दिल्ली में करा रहे हैं, बाद में जयपुर में, चंडीगढ़ में. जयपुर में तो फिर भी
कराना ही चाहिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। मैं खुद जयपुर से हूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स से मिल जाएंगे। चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, यहाँ सब जगह कराएंगे और इससे फिर आप देख लो कितनी ज़्यादा रोज़गार और कितना ज़्यादा यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेगी। और उन्होंने कहा कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो इसके लिए फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। और इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम एक बार फाइनल बात कर लेते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकता है, प्रीलिम्स मेन में से एक उठा के पूछ ले। करीब करीब 100 स्टॉल लगाई जाती है हुनर हाट में, लेकिन हम जो फेमस चीज़ें हैं सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। जैसे ड्राई फ्लावर्स हो गए असम के, पोचमपली कट हो गया आंध्र प्रदेश का। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो किसी भी प्रोडक्ट की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मूंगा सिल्क हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई बिहार की, वुडन टॉयज कर्नाटका के, मणिपुर के टॉयज हो गए, और अजक हो गया गुजरात का, पंचीमा शॉल्स, ये पश्चिमा जो शॉल्स हैं ये बहुत फेमस है खास करके लद्दाख रीजन की, जम्मू कश्मीर की, तो ये याद रखिएगा। और तुसर सिल्क और केन बम्बू प्रोडक्ट्स फ्रॉम झारखंड, बाग प्रिंट बटिक फ्रॉम मध्य प्रदेश, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो मतलब देश भर से जो फेमस चीज़ें हैं, जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे शोकेस करे जाएंगे, चाहे बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, यूपी हो, दिल्ली हो। तो यहाँ पे आर्टिस्ट आके अपना अपने प्रोडक्ट को दिखा के अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। तो फिल्म्स के लिए और मेंस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।